नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तो की थी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से, लेकिन टिकट नहीं मिला, फिर भी वह नाराज नहीं हुए बल्कि जनता के बीच गए और अपने प्रत्याशी के लिए लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं शाहपुर के राजद नेता हीरा ओझा, जो कि राजद के कर्मठ, सजग व सरल सेवक भी कहे जाते हैं और रिटायर्ड सेना के अधिकारी भी हैं। अब हम आपको उनसे परिचय करवाते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, आप टिकट के रेस में थे और आपको टिकट नहीं मिला, फिर भी आप जनता के बीच जा रहे हैं। मुझे टिकट नहीं मिला ये तो दूसरी बात है, पार्टी ने जिसे उचित समझा उसे दिया, लेकिन मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। जैसा आप खुद बोल रहे थे कि सजग सरल सेवक हूँ, तो उस पर मुझे खरा उतरना चाहिए। इसीलिए मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि राजद की सरकार बने ताकि लोगों का विकास हो, क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है कि यही पार्टी है, ये राजद ही है, लालू जी का पुत्र ही है, जो सबके लिए, सबका जीवन सरल हो, सुखद हो, सार्थक हो, इसमें दृढ़तापूर्वक विश्वास रखते हैं और इसको करेंगे। आप लगातार देश सेवा किए, उसके बाद आप जन सेवा में, अब राजनीति में भी आप उतरे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? राजनीति मेरे समझ से देखिए एक ऐसी व्यवस्था है जो सुनिश्चित करती है कि समाज की दशा क्या हो, समाज की दिशा क्या हो, लोगों को कैसे विकास हो, जो सबसे बड़ा हमारा संविधान में बनाया गया है, बताया गया है कि मनुष्य मनुष्य में बराबरी का दर्जा, सबको समान रूप से सुविधा मिले और सबको सम्मान मिले। ये स्थिति बिना राजनीति कभी संभव हो नहीं सकती है, इसी के लिए लड़ाई राजनीति में हो सकती है। राजनीति में रह करके हम इसके लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होकर के काम कर सकते हैं कि देश के, प्रांत के जो लोग भी हैं, मनुष्य मनुष्य में सबका सम्मान व्यवहार हो, सबको समान रूप से सुविधा मिले और सबका इज्जत हो, सबको प्रतिष्ठा हो, एक सरल, सुखद और सार्थक समाज बने बिना राजनीति में रहे। आप ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी आपको टिकट नहीं दिया गया पार्टी की ओर से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पार्टी के निर्णायक मंडल को मालूम है कि किसे क्या टास्क देना है और किसे क्या काम करवाना है, और इस निर्णायक मंडल के मुखिया तो आदरणीय लालू जी हैं, तो मैं उनकी जो भी बातें होती हैं मैं जानता हूं कि ये सही निर्णय लेने वाले राजनेता हैं। मैं उन्हें राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय से देख रहा हूं, अभी से नहीं देख रहा हूं। तो उन्होंने जो काम दिया, जो बताया, उसे मैं दृढ़तापूर्वक करूंगा, ईमानदारी से करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि हमारी पार्टी की अच्छी पोजिशन रहे। एक बात बताइए, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हुई, 400 रुपये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सब बढ़ाकर 1000 रुपये करेंगे, क्या लगता है कि यह पूरा होगा? अच्छा पूछा आपने। देखिए, सब बातों में तो लोग कहते रहते हैं कि लालू जी के पुत्र हैं ये, तो मैं उन पर जाऊंगा। आपको ध्यान होगा जब लालू जी रेल मंत्री थे, जो उन्होंने चार्ज लिया हुआ ही था, उसी समय राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट उनके टेबल पर रख दी गई, उसमें प्रावधान था, समिति गर्क होने वाला है। रेलवे तभी ठीक हो सकता है जब इसमें कर्मचारियों की छटनी की जाए या इसे निजी हाथों में दे दिया जाए या इसका विनियमन करने वाली कोई दूसरी संस्था बनाई जाए। ऐसी बातें आई थी उस समय, लालू जी ने साफ बोला कि हमारे मालिकों ने, जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, उनके कल्याण के लिए रेलवे है, रेलवे में जो निजीकरण हुआ मेरी लाश पर होगा और जिसमें छटनी किसी सूरत में नहीं होगी, बल्कि जो खाली पद हैं उनको भरे जाएंगे। और किराया बढ़ाने की भी बात उसमें सिफारिश की गई थी कि रेलवे को यदि बचाना है तो किराया बढ़ाना पड़ेगा। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जब तक रेल मंत्री रहूँगा किराया नहीं बढ़ाऊँगा, बल्कि हमारे सभी बजट में इसके किराए को कम किया जाएगा। उन्होंने इसको किया, जो कमी थी उसको भी पूरा किया। इसलिए मैं विश्वास रखता हूं कि तेजस्वी जी ने जो कहा है उसे करेंगे। तो ये 10 लाख रोजगार आएगा कहां से सृजन करेंगे इसका? देखिए, 4.5 लाख तो खाली है, आप पहले ही देख रहे हैं कि 4.5 लाख खाली है और जो बच गया आपका 5.5 लाख, उसके लिए वो बता रहे हैं कि नए रोजगार सृजन करेंगे, नई व्यवस्थाएं बनाएंगे, भर्ती करेंगे और दूसरी तरीके की पुलिस बनाई जाएगी। जो पुलिस का ऑथराइजेशन है उतने में तो कानून व्यवस्था का चल नहीं रहा है, जो ऑथराइजेशन है सरकार के तरफ से उतने लोग हैं नहीं, इसका बढ़ाया जाएगा और भी दूसरे प्रावधान किए जाएंगे। राजनीतिक लोग जब सोचते हैं कि हम इसको करेंगे और ऐसे दृढ़ निश्चयी लोग, तो उनके पास और भी कुछ है, व्यापार के बढ़ाए जाएंगे। एक सवाल और आपसे, जिस तरह से विधानसभा चुनाव है और नेता जी लोग प्रचार प्रसार में लगातार जुटे हुए हैं, तो आप अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कम करते नजर आ रहे हैं बल्कि आप दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
वेल, यदि मुझे वहाँ बुलाया जाएगा तो वहाँ भी जाऊँगा। अभी मुझे चूंकि निर्देश मिला है, पार्टी की तरफ से निर्देश मिला है कि मैं जगदीशपुर में जाऊँ और रामबिशुन सिंह लोहिया जी को जिताऊँ। यहाँ कुछ लोगों में डिस्प्यूट था, हमारे कार्यकर्ता कुछ नाराज थे, कुछ विक्षुब्ध थे, उन लोगों को ठीक किया जाए और उनको रास्ते पर लेकर के आ जाए, मुझे टास्क मिला हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर आया और इसको मैं कर रहा हूँ, सुनिश्चित कर रहा हूँ। बाकी दूसरे भी जो लोग और लोग हैं उन गाँव में जहाँ मेरा परिचय, जहाँ संबंध है, वहाँ मैं जाता हूँ और उनको प्रचार करता हूँ, उनको बताता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरीके से क्या फ़ायदा है, राजद को सत्ता में लाने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, ये मैं समझाता हूँ। जैसे कि अभी किसानों के पास मैं जा करके आ रहा हूँ ये गाँव में, वहाँ मैं समझाया कि जो तीनों बिल पास करा दिए हैं, यदि इनको लागू कर दिया जाएगा तो किसानों के सिर के ऊपर से छप्पर भी उड़ जाएगा। वो सिर्फ कारपोरेट घराने को फायदे के लिए, अस्टाकिस्ट के लिए बनाया गया है, व्यापारियों के लिए बनाया गया है, किसानों के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं है। ये सब बातें मैं समझाता हूँ तो लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। और जहाँ मुझे टास्क लगाया जाएगा, जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी, वहाँ मैं जाऊँगा। जिस तरह से आप लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ से कई पार्टी के या निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं, कहाँ पाते हैं आप राजद के उम्मीदवार रामबिशुन सिंह लोहिया को, क्या इस बार क्या होगा उनका? यदि मैं कहूँगा कि आप ये विजयी हो रहे हैं तो आप समझेंगे कि मैं पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन इस संकोच में कहना चाहता हूँ, और आप किसी दूसरे से भी जा करके पूछेंगे तो साफ साफ दिखाई रहा है कि इनकी अच्छी पोजीशन है और जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि लोगों को तेजस्वी जी में बहुत ज़्यादा विश्वास है। इन्होंने भी जो काम किया है वहाँ इनकी किसी से शिकायत नहीं है, ये थोड़ा कड़ा बोलते हैं, इसके अलावा इनसे कोई शिकायत नहीं है। तो कड़ा बोलने वाला आदमी हृदय का साफ होता है, लालू जी का कड़ा बोलते हैं लेकिन सब लोग जानते हैं कि हृदय के साफ है। लालू जी का लोग बोलते हैं कि अगड़े और पिछड़े, किसी अगड़े का नुकसान हुआ उनके कलम से, आज तक किसी कोई तगड़ा कमजोर हुआ उनके कलम से? वो डांट भले देते हैं लेकिन काम वही करते हैं जिसके सबका फायदा हो। इसी तरीके से रामबिशुन जी का भी है, लोग इनसे प्रसन्न हैं, काम करते हैं, और तेजस्वी जी को सब लोग देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग विश्वास कर रहे हैं, वृद्ध लोग भी विश्वास कर रहे हैं कि तेजस्वी जी को एक बार मौका दिया जाए। इनको लोग चूंकि मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसीलिए मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस बार यहाँ निश्चित ही विजय होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अभी राजद के नेता हीरा ओझा की बातों को सुना कि किस तरह से वह चुनावी तैयारियों में लगे हैं और उन्हें टिकट कटने का गम बिल्कुल नहीं है, वह लगातार राजद के लिए समर्पित हैं और समर्पण की इसी भावना को इन्होंने दर्शाया है। आप अभी हमारे साथ राजद के नेता हीरा ओझा से बातचीत हुई, बातचीत में आपने उन्हें देखा। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।